राजस्थान में गठबंधन के साथ मिलकर 11 लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी आदिवासी बेल्ट में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। इसके पीछे का कारण है कि आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन ना बन पाने की स्थिति में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का 2 दिवसीय उदयपुर और डूंगरपुर दौरा इसी मकसद के तहत रहा है। उपचुनाव को लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस की बात सिरे नहीं चढ़ पाई है, लिहाजा कांग्रेस अपने प्रत्याशी के चयन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद में जुटी हुई है। आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किसी भी तरह की टिप्पणी से बच रहे हैं, लेकिन उनका बयान इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि हाल फिलहाल आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना नजर नहीं आ रही है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि देश में भाजपा को रोकने के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए गठबंधन का फैसला आलाकमान करेगा। इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 84 विधानसभा सीट भी शामिल है। इसी कारण डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए प्रत्याशी के चयन की कवायद की जा रही है, ताकि गठबंधन नहीं होने की सूरत में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस सीट पर अपना दम दिखा सके। आदिवासी बेल्ट के कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि बाप पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की बड़ी गलती है। इस निर्णय से इस क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है, जिसकी भरपाई उपचुनाव में मजबूती से ताल ठोक कर की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।